सो गाइस, क्या आपका भी मन का क्यूरियोसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है कि अपने गेम के अंदर न्यू M187 स्किन का इनक्यूबेटर रॉयल आने वाला है। बट गाइस, आप सभी को शायद से नहीं पता कि अपने गेम के अंदर कौन सा M187 स्किन आने वाला है इनक्यूबेटर रॉयल में एंड कौन सी कंफर्म डेट में आने वाला है। और गाइस, हमारा इनक्यूबेटर रॉयल गन स्किन के अंदर कौन कौन सा एबिलिटी रहने वाला है, ये सब शायद से आप सभी को नहीं पता। तो टेंशन मत करना, आप तो स्क्वाड गेमर को सब्सक्राइब करके रखे हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल्स देने वाला हूं अपने गेम के अंदर आने वाला अपकमिंग M187 स्किन का, इनक्यूबेटर रॉयल का। और गाइस यार, मैं आप सभी को यह भी बताने वाला हूँ अपने गेम के अंदर आने वाला ये वाला ब्रांड न्यू फेस मास्क स्किन के बारे में। बहुत सारे बंदे का मन पे ऐसा बहुत क्वेश्चन है कि भाई ये कब आएगा, कौन सी इवेंट के अंदर आएगा, कंफर्म डेट बताओ। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर ना आप सभी को मैं भर भर के लीक्स एंड अपडेट देने वाला हूँ, तो वीडियो को कभी भी स्किप मत करना। और गाइस, अभी तक इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक नहीं किया हो तो फटाक से एक लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी बजा देना ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये सब कर चुके तो दिल से बहुत बहुत थैंक्स एंड चलिए आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, अपने गेम के अंदर आने वाला ब्रांड न्यू इनक्यूबेटर रॉयल M187 स्किन के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं अपने गेम के अंदर आने वाला नेक्स्ट एवोल्यूशन बंडल के बारे में। सो गाइस यार, आप सभी को पता होगा अपने गेम के अंदर नेक्स्ट एवोल्यूशन बंडल अपने टोकन टॉर इवेंट के अंदर आने वाला है एंड गाइस 20 नवंबर के दिन आने वाला है। बट गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, हमारा इस बार का टोकन टॉर इवेंट कंप्लीट करने के लिए सिंपली आप सभी को 4 आलू चाहिए। मतलब यार, आप कम डायमंड में हमारा इस बार का एवोल्यूशन बंडल निकाल सकते हो। तो जितने बंदे के पास भी थोड़ा बहुत डायमंड है, भाई यार सेविंग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जो हमारा एवोल्यूशन बंडल होने वाला है ये आप सभी को कम से कम डायमंड में मिलने वाला है। एंड गाइस, शायद से आप सभी को हमारा बुया जो भी फिस्ट स्किन है वो भी आप सभी को हमारा बुया एवोल्यूशन बंडल के साथ देखने को मिल जाए, तो गाइस ये बहुत बड़ी बात होगा। एंड गाइस, आप कम से कम डायमंड में दोनों चीज को निकाल सकते हो। तो गाइस यार, बता देना ये जो हमारा बुया एवोल्यूशन बंडल है कैसा लगता है आप सभी को कमेंट में बता देना। एंड गाइस, आप कम से कम डायमंड में निकाल सकते हो, यानी कि मतलब 4 आलू तो ऐसे ही निकाल ही जाता है, बट गाइस 5वां आलू जो होता है उसको निकालने के लिए एकदम मतलब यार बहुत ज्यादा डायमंड लगता है। सो गाइस, आप सभी को इसलिए इस बार हमारा 4 आलू देखने को मिलेगा। सिंपली 4 आलू निकालो, देन गाइस जो भी रिवॉर्ड है वो आप क्लेम कर सकते हो। सो गाइस, बता देना ये जो हमारा अपडेट आप सभी को कैसा लगा कमेंट में मेरे को बता देना। एंड गाइस, आप सभी को हमारा एवोल्यूशन बंडल अपने नवंबर का 20 तारीख को देखने को मिलेगा, यानी कि आज से 5 दिन बाद आप सभी को अपने गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। टेंशन मत करना। एंड जितने बंदे के पास थोड़ा बहुत डायमंड है हो सके तो आप निकाल लेना, क्योंकि आपको पता ही होगा कोई भी एवोल्यूशन बंडल बाद में जाके ज्यादा रेयर बन ही जाता है। तो बता देना कितना बंदा निकालने वाले हो। सो गाइस, चलिए इस बार बात करते हैं फाइनली आप सभी को हमारा ब्रांड न्यू फेस मास्क स्किन अपने गेम के अंदर कौन सी कंफर्म डेट में देखने को मिलेगा। और गाइस, फाइनली आप सभी को हमारा ब्रांड न्यू फेस मास्क स्किन अपने इंडियन सर्वर में कौन सी कंफर्म इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आप सभी को हमारा ब्रांड न्यू फेस मास्क स्किन कौन सी कंफर्म इवेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप सभी को पता होगा, इवेंट में बताया भी था लास्ट वीडियो के अंदर बहुत दिन पहले कि अपने गेम के अंदर ये जो ब्रांड न्यू फेस मास्क स्किन है ये आप सभी को हमारा टॉप अप इवेंट में देखने को मिल जाएगा। कम से कम आपको 300 से 500 डायमंड टॉप अप करना पड़ेगा हमारा ये वाला ब्रांड न्यू फेस मास्क स्किन लेने के लिए। एंड गाइस, इन केस आप सभी को हमारा टॉप अप इवेंट के अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो गाइस आप सभी को हमारा कोई भी इवेंट के अंदर या तो जैसे डिस्काउंट इवेंट वगैरह होता है या तो गाइस हमारा टोकन टॉर या तो फेडेड व्हील इस टाइप का इवेंट के अंदर आप सभी को हमारा ये जो ब्रांड न्यू फेस मास्क स्किन है ये देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आप सभी को पता ही होगा ये जो फेस मास्क स्किन है ये नॉर्मल में एकदम हाई फाई है, मतलब यार अच्छा ही लगता है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। एंड गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, बाहर के बहुत सारे सर्वर में ये जो फेस मास्क स्किन है ये फ्री में भी दिया गया है। तो गाइस, मैं भी लगता है अपने इंडियन सर्वर में आप सभी को हमारा ये वाला फेस मास्क स्किन तो फ्री में देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस यार, आप सभी को हमारा ये जो फेस मास्क स्किन है ये सीधा गाइस आप सभी को हमारा फेडेड व्हील या तो टोकन टॉर या तो गाइस ज्यादा से ज्यादा चांसेस 99% चांसेस आप सभी को हमारा टॉप अप इवेंट में देखने को मिलेगा। एंड गाइस, जैसा लीक भी निकल के आ रहा है आप सभी को हमारा नेक्स्ट जो भी अपकमिंग टॉप अप होने वाला है उसके अंदर आप सभी को हमारा ये वाला ब्रांड न्यू फेस मास्क स्किन टॉप अप में देखने को मिल जाएगा। टेंशन मत करना, क्योंकि गाइस मैं आप सभी को टॉप अप इवेंट का भी अपडेट देता रहता हूं। तो गाइस यार, ऐसा कोई भी कंफर्म लीक मिलेगा, आगे मिल जाता लीक तो गाइस ऑब्वियसली मैं आप सभी को बता दूंगा कि इस तारीख को अपने गेम के अंदर ये जो ब्रांड न्यू फेस मास्क स्किन है ये टॉप अप इवेंट के अंदर आने वाला है। टेंशन मत करना, मैं बता दूंगा, ठीक है ना गाइस। एंड बता देना ये जो ब्रांड न्यू फेस मास्क स्किन आप सभी को कैसा लगा। एंड गाइस, टॉप अप इवेंट के अंदर आता है तो कम से कम गाइस आप सभी को 300 से 500 डायमंड टॉप अप करना पड़ेगा, तभी जो गाइस आप सभी को मिलने वाला है। अभी तो
डायमंड वगैरह कंफर्म नहीं है, तो गाइस आगे जाके कोई भी तगड़ा एंड कंफर्म लीक मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं आप सभी को बता दूंगा, टेंशन मत करना। और गाइस यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हो तो गाइस यार फटाक से एक लाइक कर दो प्लीज। सो भाई लोग चलिए इस बार बात करते फाइनली अपने गेम के अंदर इनक्यूबेटर रॉयल M187 स्किन कब तक आने वाला है एंड स्किन वगैरह कैसा देखने को मिलेगा, एबिलिटी वगैरह क्या होने वाला है। तो यार गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं आप सभी को हमारा इनक्यूबेटर रॉयल में M187 स्किन फाइनली कौन सी कंफर्म डेट में देखने को मिलेगा। सो गाइस आप सभी को पता होगा अभी के टाइम पे अपने गेम के अंदर AN94 गन स्किन इनक्यूबेटर रॉयल अपने गेम के अंदर रन कर रहा है। और गाइस आप सभी को यह भी पता होगा बैक टू बैक कोई भी गन स्किन अपने इनक्यूबेटर रॉयल के अंदर आता नहीं है एंड गाइस बैक टू बैक बंडल भी नहीं आता है। सो गाइस आप सभी को हमारा इस बार यानी कि हमारा जो भी नेक्स्ट इनक्यूबेटर रॉयल होने वाला है AN94 गन स्किन के बाद उसमें आप सभी को 4 बंडल का इनक्यूबेटर रॉयल देखने को मिलेगा एंड गाइस लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है आप सभी को ये 4 बंडल देखने को मिल जाएगा जितना तक लीक मिल रहा है। एंड गाइस हमारा ये जो 4 बंडल है इसके बाद ही जो नेक्स्ट इनक्यूबेटर रॉयल आने वाला है उसी इनक्यूबेटर रॉयल में हमारा M187 स्किन देखने को मिल जाएगा 4 एकदम ब्रांड न्यू। और गाइस आप सभी को ये भी पता होगा ये जो हमारा इनक्यूबेटर रॉयल M187 स्किन है ये अपडेट हमारा OB31 अपडेट का है, ठीक है ना। तो गाइस आप सभी को हमारा दिसंबर नहीं तो गाइस जनवरी मंथ का जो भी फर्स्ट है उसी टाइम पे आप सभी को हमारा इनक्यूबेटर रॉयल में M187 स्किन देखने को मिल जाएगा अपने गेम के अंदर। सो गाइस ये जो डेट है ये क्लियर हो गया आप सभी को कब तक देखने को मिलेगा, आप पकड़ के चल सकते हो आप सभी को हमारा जनवरी मंथ पे हमारा इनक्यूबेटर रॉयल में M187 स्किन देखने को मिल जाएगा। और गाइस चलिए इस बार बात करते स्किन की कैसा देखने को मिलेगा। सो गाइस यार आप सब अपनी स्किन के ऊपर देख सकते हो ये 4 स्किन निकल के आ रहा है, लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कुछ इसी टाइप का होने वाला, अभी तक एकदम पूरा प्रॉपर तैयार नहीं है। आगे जाके गाइस इसका मेकिंग वगैरह होगा और भी गाइस एनिमेशन वगैरह डाला जाएगा। और गाइस नेम निकल के आ रहा है जो फर्स्ट M187 स्किन होने वाला है उसका नेम है टेरिनो ब्रास्ट। और गाइस जो सेकंड वाला होने वाला है उसका नेम होने वाला है इंसोनियम ब्रास्ट। और गाइस जो थर्ड वाला M187 स्किन होने वाला है इनक्यूबेटर रॉयल का उसका नेम होने वाला है एक्वा ब्रास्ट। और गाइस जो फोर्थ वाला होने वाला है उसका नेम होने वाला है सोलोरिस ब्रास्ट। तो यार गाइस बता देना ये जो 4 नेम है हमारा अपकमिंग इनक्यूबेटर रॉयल गन स्किन का आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बता देना। और गाइस चलिए इस बार बात करते फाइनली आप सभी को हमारा इनक्यूबेटर रॉयल M187 स्किन के अंदर कौन कौन सा एबिलिटी देखने को मिलेगा। सो गाइस आप सभी को पता होगा अभी तक कोई भी यूट्यूबर एंड गाइस हमारा कोई भी डेटा माइनर इनक्यूबेटर रॉयल M187 स्किन के अंदर कौन कौन सा एबिलिटी देखने को मिलेगा कोई भी नहीं बताया। बट गाइस यार लीक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है आप सभी को हमारा ये जो 3 स्किन होने वाला है मतलब 4 स्किन का तो मतलब एक स्किन को छोड़ के जो 3 स्किन होने वाला है उसका लीक निकल के आ रहा है। जो फर्स्ट वाला होने वाला है उसके अंदर डबल रेट ऑफ फायर सिंगल डैमेज एंड गाइस रिलोड स्पीड माइनस देखने को मिलेगा। और गाइस जो सेकंड वाला होने वाला है उसके अंदर आप सभी को डबल एक्यूरेसी एंड गाइस सिंगल रेट ऑफ फायर और गाइस मूवमेंट स्पीड आप सभी को माइनस देखने को मिलेगा। एंड गाइस जो थर्ड वाला होने वाला है उसके अंदर आप सभी को मूवमेंट स्पीड सिंगल प्लस देखने को मिलेगा एंड गाइस रिलोड स्पीड आप सभी को डबल प्लस देखने को मिलेगा एंड गाइस आप सभी को माइनस देखने को मिलेगा डैमेज। सो गाइस ये जो 3 स्किन है बैक टू बैक फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो गाइस ये थर्ड मतलब गाइस ये 3 स्किन का जो भी एट्रीब्यूट्स है वो निकल के आया है। बट गाइस एक स्किन का अभी तक कोई भी एट्रीब्यूट्स के बारे में लीक्स नहीं मिला है। सो गाइस आगे जाके इसका भी एबिलिटी के बारे में लीक मिल जाएगा ऑब्वियसली मैं आप सभी को बता दूंगा, टेंशन मत करना। और गाइस कुछ इसी टाइप का हमारा जो इनक्यूबेटर रॉयल M187 स्किन होने वाला है उसके अंदर कुछ इसी टाइप का एबिलिटी होने वाला, टेंशन मत करना। एंड गाइस आगे जाके कोई भी ऐसा कंफर्म लीक मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं आप सभी को बता दूंगा, टेंशन मत करना।